गाइस, दिस इज योर रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये गॉर्जियस बोल्ड मेकअप लुक, बहुत ही इजी तरीके से, एकदम बिगिनर स्टाइल में। ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट की है यूजिंग ओनली वन मेकअप ब्रांड। जी हाँ गाइस, ये एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है एंड सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज की है ओनली स्विस ब्यूटी से। तो ये एक स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल बनाओ, सो मैंने सोचा कि चलो अफोर्डेबल प्राइस, मतलब अफोर्डेबल ब्रांड से ही स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए मैंने स्विस ब्यूटी से आज ये मेकअप लुक क्रिएट की है। आई थिंक आप लोगों को ये लुक बहुत ही पसंद आया हो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट की है, मतलब स्विस ब्यूटी के सारे मेकअप प्रोडक्ट से, बहुत ही मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज की है स्विस ब्यूटी से, आप लोग आगे जाके देख पाओगे। या ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, तो झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास जो एक बेल आइकन है उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो या गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन एंड मॉइस्चराइज कर ली है। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्राइमर में। सो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस मेकअप प्राइमर यूज करने वाली हूँ। ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है, ये आपके बेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ बनाते हैं, ताकि आप फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, यू नो, अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओ, ब्लेंड कर पाओ। यहाँ पे मैं फिंगर टिप में प्राइमर को ले रही हूँ एंड मैं इसे स्पेशली टी जोन में फोकस करके अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। एंड इसे हल्के हाथों से इस तरीके से स्प्रेड करूंगी पूरे फेस में। आप चाहो तो सिर्फ टी जोन में ही अप्लाई कर सकते हो, पर मैं यू नो थोड़ी सी यू नो स्प्रेड करूंगी, ताकि बेस जो है वो स्मूथ रहे एंड फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। सो इस प्राइमर को अप्लाई करने के बाद ना गाइज, मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि ये मेरे बेस को कितनी स्मूथ बनाई है, मतलब एक स्मूथ कैनवस क्रिएट की है। फेस को तो अच्छी तरीके से प्राइम कर ली। अभी हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का ये अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट। ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी शेड्स के आपको कंसीलर यू नो मिल जाएगी एंड इसके साथ साथ आपको कलर करेक्टर भी मिल रही है। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी कि ये टोटली अनटच्ड है, मतलब इसे अभी तक मैंने यूज भी नहीं की, अप्लाई भी नहीं की। सो इसका क्वालिटी एंड ऑल तो मैं इसे यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैं ना पहले ये वाला शेड ट्राई करके देखती हूँ कि ये मेरी स्किन टोन के साथ जाती है कि नहीं। इस तरीके की फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं इसे पिक करूंगी। सो यहाँ से मैं ले रही हूँ, अभी मैं इसे अंडर आई में अप्लाई करूंगी। तो एक आई में मैंने अप्लाई की है, अभी तो ये बहुत ही ज्यादा यू नो ब्राइट दिख रही है। अभी ब्लेंड करके देखते हैं कि ब्लेंड करने के बाद कैसा दिखता है। बहुत ही क्विक ब्लेंड हो गई है, आप देख सकते हो। एंड इसे पूरी तरीके से ब्लेंड करने के बाद अभी ज्यादा यू नो ब्राइट नहीं लग रही है, पहले जो जैसा लग रहा था। सो अभी पूरी फेस में, मतलब पूरी फेस में, मतलब जहां जहां मुझे कंसील करनी है वहां वहां मैं कंसील करके देखती हूँ कि पूरी फेस कैसा लग रहा है। सो पूरी फेस में मैंने अच्छी तरीके से यू नो कंसीलर अप्लाई कर ली है। जहां जहां मुझे कंसील करनी थी वहां वहां मैंने अप्लाई की है, बाकी फेस को मैंने छोड़ दिया है, देख सकते हो। आई नो कि मैं अभी हॉरिबल दिख रही हूँ। सो चलिए गाइस, अभी जल्द से जल्द इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो कंसीलर तो मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली, मतलब जहां जहां मैंने कंसीलर को अप्लाई की थी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस पैलेट के बारे में जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज की, एंड फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद इसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो क्वालिटी है, मतलब इसका जो टेक्स्चर है, बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर है, बहुत अच्छे तरीके से क्विक ब्लेंड हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स को भी अच्छे तरीके से हाइड कर लेते हैं। एंड अगर आपको बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप पहले कलर करेक्टर यूज कीजिए, देन उसके बाद कंसील कीजिए। एक चीज जो मैंने नोटिस की इसे अप्लाई करने के बाद वो ये है कि जहां जहां मैंने इसे अप्लाई की वहां वहां मुझे बहुत ही ज्यादा यू नो ड्राई फील हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जगह पे पर्टिकुलरली मॉइस्चराइजेशन की बहुत ही कमी है। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं भी ये फॉलो करने वाली हूँ, वो ये है कि आप यू नो ये कंसीलर जब भी यूज करने वाले हो, ये पैलेट को पूरे फेस में हो या फिर अंडर आई में हो, अच्छी तरीके से फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए, या फिर अंडर आई क्रीम हो अप्लाई कर लीजिए, देन उसके बाद इस पैलेट को यूज कीजिए, आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइम एंड फाइन मैट प्रिस्ट पाउडर। आई एम इन द शेड 03 न्यूड बेज। जो पैकेजिंग है ना गाइस, बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे पफ है, यहाँ पे मिरर है, मिरर का भी क्वालिटी काफी अच्छा है। सो यहाँ पे मैं आज पफ नहीं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आज यूज करने वाली हूँ माई पाउडर ब्रश। सो यहाँ से मैं इस तरीके से पाउडर को ले रही हूँ एंड अंडर आई में अप्लाई करूंगी।
ताकि उन्हें कंसीलर में क्रीज ना पड़े एंड टी जोन में स्पेशली अप्लाई करूंगी ताकि कुछ देर बाद जो ऑयली फील होता है वो ना हो। फिर भी मैं थोड़ी सी अप्लाई कर लूंगी ताकि नेक एंड फेस मिसमैच ना हो। आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते थे पर ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे नहीं दिख रही है इसलिए मैंने पाउडर ही अप्लाई कर ली। अभी करेंगे फेस को कॉन्टोर एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट। इसमें आपको आई शेडो भी मिल रही है, कॉन्टोर, हाइलाइटर एंड ब्लश भी मिल रही है। फ्लफी एंगुलर ब्रश के हेल्प से मैं ये कॉन्टोर को ले रही हूँ, कॉन्टोर पाउडर या फिर ब्रॉन्जर भी बोल सकते हो आप। इसे मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी। वाओ, काफी अच्छा इसका शेड है। सो एक बार अप्लाई करने के बाद ही आप देख सकते हो कि इसका जो पिगमेंटेशन है काफी अच्छा है, एक अच्छा शेडो वाला लुक दे रहा है। काफी अच्छा पैलेट है यार, मैं तो मान गई, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रोल हो रहा है। आप देख सकते हो नोज को भी कॉन्ट्रोल कर लेते हैं, तो फोरहेड को भी कंट्रोल कर सकते हो पर मैं आज फोरहेड को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्लशर के लिए यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर। यहाँ पे आपको हाइलाइटर भी मिल रही है एंड ये तीनों आप एज ब्लश यूज कर सकते हो। मैं तीनों शेड को ना एक साथ पिक करके अप्लाई करूंगी इस तरीके से। ब्लश के साथ आपको एक शिमरी इफेक्ट भी मिल रही है, आप चाहो तो इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, ना भी कर सकते हो, ना करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ गाइज वो ये स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट के रेंज से सबसे कम अमाउंट का प्रोडक्ट है ये। इसका जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस शायद 65 रुपीज है एंड ये मुझे नाइका पिंक फ्राइडे सेल के वक्त आफ्टर डिस्काउंट मिली थी 49 या फिर 50। तो फिर भी अगर कोई डिस्काउंट ना भी रहे इसका प्राइस मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है। 65 रुपीस में आपको यू नो सॉफ्ट वाटरप्रूफ प्रिसीशन वाला आईब्रो पेंसिल मिल रही है। इसके साथ आपको स्पूली तो नहीं पर ये ब्रश जैसा कुछ मिल रही है कैप के साथ ही एंड इसका जो मतलब शेड है गाइज वो है 103 डार्क ग्रे। पहले हम आउटर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, बहुत ही केयरफुली करनी है गाइस क्योंकि ज्यादा आप नहीं करोगे नहीं तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगती है। सो ऊपर का आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली हल्के हाथों से एंड लोअर के आउटर लाइन को भी ड्रॉ कर ली हूँ एकदम हल्के हाथों से एंड मुझे तो काफी अच्छा लग रही है इसका क्वालिटी गाइस, काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। एंड अभी और कुछ नहीं करनी है, बस अंदर का जो गैप है थोड़ी बहुत वो मैं फिल कर लूंगी इस तरीके से। एंड ये जो ब्रश दिया गया है इसके हेल्प से मैं थोड़ी सी कोम कर लूंगी। ये आईब्रो मैंने ड्रॉ की है एंड ये आईब्रो में मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप डिफरेंस देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से ये आईब्रो को ड्रॉ किया है। अभी हम मूव करेंगे आई मेकअप में। आई मेकअप बहुत ही ज्यादा इजी रखने वाली हूँ सो यहाँ से मैं फर्स्ट अप्लाई करूंगी ये जो कॉन्ट्रोल का जो शेड है आप देख सकते हो ये वाला शेड मैं लूंगी एंड क्रीज के ऊपर मैं इसे अप्लाई करूंगी एज ट्रांजिशन शेड। सो आउटर साइड से इनर साइड में क्रीज के ऊपर मैं कॉन्ट्रोल वाला शेड को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इस आई में भी सेम तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर साइड से इनर साइड तक। इसमें सेम पैलेट से ये वाला डार्क ग्रीन शेड पिक करने वाली हूँ, आप देख सकते हो ये थोड़ी सी यू नो शिमरी डार्क ग्रीन शेड है। मैं आपको एक बार स्वच करके दिखाती हूँ, ये रहा वो शेड, काफी अच्छा पिगमेंटेशन है, हल्का सा शिमरी शेड है एंड बहुत ही अच्छा लुक है। इस शेड को मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी पूरे आईलिड में। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी मिडल से, देन मैं पूरे लिड में अप्लाई करूंगी धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड शेड है गाइज एंड ये एकदम फॉल आउट भी नहीं हो रही है। दोनों आईज में मैंने ग्रीन शेड को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया एंड मैंने हल्की सी विंक शेड दी है इसे। सो अभी मैं सेम पैलेट में से ये वाला जो कॉन्टोर शेड है इसे मैं लूंगी एंड लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी इस तरीके से। एंड ये सेम पैलेट में से हाइलाइटर को ले रही हूँ आईज के इनर कॉर्नर को हाइलाइट करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ गाइस स्विस ब्यूटी का ये जेट ब्लैक आईलाइनर, काफी अच्छा आईलाइनर है, एकदम जेट ब्लैक ही है एंड इसका जो पिन है गाइस आप देख सकते हो काफी शार्प है एंड पॉइंटेड है एंड काफी अच्छी तरीके से आईलाइनर ड्रॉ भी होती है। तो मैं इसे एक विंग लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। तो
दोनों आईज में मैंने आई लाइनर ड्रॉ कर ली, काफी अच्छा लुक दे रहा है। थोड़ी सी थिक आई लाइनर मैंने ड्रॉ की है ताकि आईज लुक थोड़ी सी बोल्ड दिखे। एंड सच में गाइज ये एकदम जेट ब्लैक लाइनर है। गाइज आप देख सकते हो कि काफी इंटेंस ब्लैक है इसका कलर। इसका जो एप्लीकेटर है गाइज आप देख सकते हो कि काफी पॉइंटेड एप्लीकेटर है। आप जितना थिक आई लाइनर ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो जैसे कि मैंने की है, एंड जितना थिन भी ड्रॉ करना चाहो उतना भी कर सकते हो। एंड अगर इनर कॉर्नर में थोड़ी सी एक्सटेंड करना चाहो जैसे कि मैंने की है, आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से इनर कॉर्नर एक्सटेंड हो जाता है। ये बहुत ही पॉइंटेड है, बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली आई कैन हाईली 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 रिकमेंड यू दिस आई लाइनर। नेक्स्ट करेंगे फेस को हाईलाइट। तो सेम पैलेट से मैं फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। सो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ नोज से। सो इस तरीके से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। And as I told you guys, काफी अच्छा हाईलाइटर है ये, काफी अच्छी तरीके से आपके फेस को हाईलाइट करती है। एंड ज्यादा चंकी वाला हाईलाइटर नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हाईलाइटर है। इनको थोड़ी सी हाईलाइट कर रही हूँ, एंड फोरहेड को भी, ब्राउ बोन को। तो मैंने फॉल्सेस अप्लाई की है गाइज, आप देख सकते हो उसके बाद तो आईज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग गई है। सो अभी बाकी है सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करना। सो मैं यहाँ पे एक बोल्ड सा लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, स्पेस ब्यूटी का। ये 33 वाइन है शेड नंबर। चलो अभी इसे अप्लाई करके देखते हैं। Yeah guys, this is the final look using Swiss Beauty makeup products. Look कैसे turn out हुई है ये तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये look, and quality wise सारी products बहुत ही अच्छी हैं। Affordable price में Swiss Beauty के सारे products काफी अच्छे हैं guys, definitely आप लोग try कर सकते हो। So आज की video आप लोगों को अगर पसंद आया तो इस video को एक like जरूर कीजिएगा, share कर सकते हैं अपने friends and family सबके साथ, and don't forget to subscribe to my channel, also hit the bell icon ताकि जब भी मैं new videos upload करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी notification पहुंच जाएगी। Till then take care. Bye.